हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल N89 व्लॉग्स। ये है यामाहा FZS V3 का फ्रंट नंबर प्लेट होल्डर, जिसे हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया है अमेज़ॉन से। इसका परचेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसे हमने अनबॉक्सिंग कर लिया है, अब इसे इंस्टॉल करते हैं बाइक में। तो ये है हमारी यामाहा FZS V3, जिसमें हम इस नंबर प्लेट को इंस्टॉल करने वाले हैं। इसका जो ब्रैकेट है, ये थोड़ा सा बेंड था एक तरफ, जिसे मैंने फैब्रिकेटर के पास से सीधा करवा लिया है, तो अब ये स्ट्रेट हो गया है। ये नंबर प्लेट होल्डर यामाहा के ऑलमोस्ट सभी बाइक्स में फिट हो जाता है, जैसे कि यामाहा FZ V1, V2 और V3 एंड V4। इसके अलावा ये FZ25 में भी ईजिली फिट हो जाता है। तो चलिए अब करते हैं इसे इंस्टॉल। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने ये इसका फ्रंट स्क्रूस निकाल लिया है। इसके लिए आपको एक एलन की ज़रूरत पड़ेगी, और ये होल्डर कुछ इस तरह से यहाँ पर फिट होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इसमें इस तरह का वॉशर का यूज़ करेंगे, ताकि ये बार बार लूज ना हो जाए। तो आपको दोनों तरफ ही इस तरह का वॉशर का यूज़ करना पड़ेगा। तो इनिशियली इसे हमने थोड़ा सा टाइट किया है। इसके नंबर प्लेट लगने के बाद इसे पूरी तरह से टाइट कर सकते हैं। तो ये है हमारा नंबर प्लेट, जो हमने पहले यहाँ पर लगाया था। तो अब इसे हम यहाँ पर लगाएंगे। अगर आप अपने बाइक में इस तरह का नंबर प्लेट होल्डर लगाना चाहते हैं, तो आपको इस तरह का एक नंबर प्लेट फ्रेम लेना होगा, जो कि आपको करीब 100 रुपीज़ में मिल जाएगा। इस नंबर प्लेट फ्रेम की वजह से आपके नंबर प्लेट का टूटने का या बेंड होने का चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाता है। सो इसे आपको लगाना ज़रूरी है। तो फाइनली हमारा नंबर प्लेट जो है वो इस पे फिट हो चुका है। अब हम इसे पूरी तरह से टाइट कर लेंगे। आप इसकी हाइट को अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, इसे हमने पूरी तरह से टाइट कर लिया है, और ये कुछ इस तरह दिखाई देता है। आपको ये नंबर प्लेट होल्डर कैसा लगा, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।